हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट दो जानी ही निज देशम के अभ्यास सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अभ्यास है पाठे प्रदत्तानाम पद्यानाम स्वसर वाचनम कुरुतः। पाठ में जो पद्य दिए गए हैं उनको आपको स्वसर वाचन करना, अर्थात आपको उनको पढ़ना है। सेकंड, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत्। पद्यांश में से रिक्त स्थान पूरत कर जो उसको भरिए। पूरित करना मतलब जो पद्यांश आपको दिया हुआ है, कविता जो दी गई है उसमें से आपको फिल जो ब्लैंक स्थान है उनको फिल करना है। पहला है नयन मनोहर ब्लैंक परिवेशम, इसमें आएगा निज परिवेशम। सेकंड है तब जननी त्वम डैश त्राता, तुम माता हो। तुम यानी तुम डैश त्राता यानी रक्षक हो, तो इसमें आएगा जगत, तुम ही संसार के रक्षक हो। देन थर्ड है निखिलम विश्वम तव परिवार, संपूर्ण विश्व तुम्हारा परिवार है। फोर्थ हिमगिरी मुकुटम गंगा हारम, हिमालय मुकुट के समान गंगा नदी हार के समान है। फिफ्थ है अर्जय ज्ञानम भज विज्ञानम, ज्ञान को अर्जित करो और विज्ञान को जानो। देन थर्ड एक्सरसाइज है स्थूल पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण कुरुत, स्थूल पदों को उनका अनुसरण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट है वयम भारतीय इसमें, हम सब भारतीय हैं। क्वेश्चन बनेगा वयम के इसमें हम सब कौन है। सेकंड है त्वम जगत त्रातः असि, तुम जगत के त्राता हो। क्वेश्चन बनाएंगे त्वम कश्य त्राता असि, तुम किसके त्राता हो, तुम किसके रक्षक हो। थर्ड निखिलम विश्वम तब परिवार अस्ति, संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा परिवार है। क्वेश्चन बनाएंगे निखिलम विश्वम तब क अस्ति, संपूर्ण विश्व तुम्हारा क्या है, यहाँ पर आएगा कह। देन दीन जनेभ्य दानम अर्पय, दीन जनेभ्य के स्थान पर आएगा केव्य, ये है चतुर्थी और पंचमी बहुवचन, तो इसके स्थान पर आएगा केव्य। दानम अर्पय, किसके लिए दान अर्पित करें, किसको दान दे। नेक्स्ट है निज राष्ट्रस्य उत्थानम कुरु, अपने राष्ट्र का उत्थान करें। राष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो सेम टू सेम आएगा कश्य, कश्य उत्थानम कुरु, किसका उत्थान करें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। देन व्याकरण बोध का एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें हमें समानार्थक पद चुनकर लिखना है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको चुनकर लिखना है। फर्स्ट है किरीटम, किरीटम का है मस्तकम मुकुटम हिमम, इसका आंसर है मुकुटम, किरीटम का मतलब होता है मुकुट। नयनम ग्रहम मुखम नेत्रम, इसका आंसर है नेत्रम। नर, नर का मानव शत्रु देव, आंसर है मानव। देन विश्वम, विश्वम यानी संसार। हिमगिरी, हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय, तो इसका आंसर आएगा हिमालय। जननी, जननी का है माता, प्रिय शोभा माता, आंसर है माता। देन सेकेंड क्वेश्चन है नीचे लिखे हुए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए, लोट लकार आज्ञार्थक काल। फर्स्ट है त्वम गर्वम न करोषि, तुम गर्व नहीं करते, इसका है त्वम गुर्वम मा करु, तुम गर्व मत करो। सेकंड है सह पत्रम लिखति, लिखति को हम चेंज करेंगे लिखतु, इसका है लोट लकार का होता है पठतु पठताम पठंतु पट पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, तो जो स पत्रम लिखति है लिखति का बनेगा लिखतु। आवाम गमिष्यावे, गमिष्यावे का गच्छाव, आवाम गच्छाव। देन वयम लेखम लिखामे हैं, इसका बनेगा वयम लेखम लिखाम, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। ते उद्यानम गच्छन्ति, वे सब बगीचे में जाते हैं, तो ते उद्यानम गच्छन्तु, वे सब बगीचे में जाएं, इसमें आएगा गच्छन्ति के स्थान पर गच्छन्तु। एक्सरसाइज नंबर 3 है नीचे लिखे पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। पहला है विदेशे, विदेश शब्द पुलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। सेकंड है भुवने, भुवने में है नपुसक लिंग शब्द है, यह सप्तमी एक वचन है। देन है थर्ड जनेभ्य, जनेभ्य पुलिंग शब्द है, यह चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में आता है। यस्मात, यस्मात है पुलिंग पंचमी एक वचन। राष्ट्रस्य, यह है षष्ठी एक वचन और नपुसक लिंग में आता है, नपुसक लिंग षष्ठी एक वचन। देन फोर्थ है हमें जो शब्द हैं लट लकार के, इन सबको लोट लकार में और लंग लकार में चेंज करना है, लोट लकार लंग लकार में चेंज करना है। पहला है खेलसी लट लकार में, तो हमें उसी विभक्ति उसी वचन में जाना है, तो लोट लकार में आएगा खेल और लंग लकार में आएगा अखेल। वैसे ही सेम पिवामी, पिवामी का बनेगा पिवानी और एपिवम, लोट लकार में पिवानी और लंग लकार में एपिवम। कुर्वंती का कुर्वंतु और एकुर्वन, कुर्वंतु एकुर्वन। हसत, इसका बनेगा हस्ताम और एहस्ताम। फिर नयाव, नयाव का बनेगा नयाव एनयाव, नयाव और एनयाव।
देन फिफ्थ है नीचे लिखे हुए पदों का अनुसरण करके वाक्यों को बनाइए। फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल दिया हुआ है अर्जय, त्वम ज्ञानम अर्जय, तुम ज्ञान अर्जित करो। अब हमें बनाना है दीनेव्य से, तो त्वम दीनेव्य अन्नानि यच्छ, तुम गरीबों को अन्न दो, त्वम दीनेव्य अन्नानि यच्छ। थर्ड है हिमालय, भारतस्य उत्तर दिशायाम हिमालयः अस्ति, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है, भारतस्य उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति। फोर्थ है रचय, भारतस्य चित्रम रचय, भारत का चित्र बनाओ, भारतस्य चित्रम रचय। फिफ्थ है कुरु, निज देशस्य उत्थानम कुरु, अपने देश का उत्थान करें, अपने देश की उन्नति करें। इन सभी वाक्यों को आप अपने हिसाब से अपने अनुसार भी बना सकते हैं। थैंक यू।